चार धाम में पूजन नो अधिकार चार वर्ण ने आपवामां आव्यो छे ए समजावा विना हमारी जो व्यवस्था है पूरी व्यवस्था में वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन धर्म में सनातनी उसी को कहा जाता है जो वर्णाश्रम को मानता है। ये भी एक व्याख्या हुई है। जो वर्ण और आश्रम के धर्मों का स्वीकार नहीं करता उसे हम सनातनी नहीं कहते। वो हिंदू तो रहता है लेकिन सनातनी नहीं रहता। हमारे यहाँ वर्ण चार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आश्रम भी चार है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थाश्रम है, वानप्रस्थ और संन्यास्ताश्रम है। धाम भी उसी प्रकार चार है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न वर्णों का अधिकार माना गया है। इसलिए कौन से क्षेत्र में किसका अधिकार होगा वो आप प्रायः देख सकते हैं। जैसे आप रामेश्वरम में जाते हैं तो रामेश्वरम में भगवान रामेश्वर की पूजा का अधिकार ब्राह्मणों का है और उसके ऊपर आधिपत्य भी, भगवान की सवारी निकलती है तो उस रथ को लेकर ब्राह्मण चलते हैं तो रामेश्वरम का अधिकार ब्राह्मणों का है। लेकिन बद्रीनाथ में जाए तो बद्रीनाथ की सवारी निकालनी हो तब राजा आते हैं और राजा के कंधे पर बिठाकर भगवान बद्रीनाथ की सवारी निकलती है। अर्थात बद्रीनाथ का अधिकार क्षत्रियों का है, उनका अधिकार वहां बना रहता है। उसके बाद द्वारका में जाए, भगवान की राजाशाही जो ठाट है उसकी व्यवस्था करने वाले, उनके लिए धन चाहिए तो पूरा उनका अधिकार वैश्यों का है। जितने धनपति हैं, जितने वैश्य हैं, वो सब द्वारकानाथ के भक्त हैं और वहीं से द्वारकानाथ की बात ही पूरी अलग है। वो तो राजाशाही ठाट में रहते हैं। और जगन्नाथपुरी में अगर जाए आप तो जब रथ यात्रा निकलती है उससे 15 दिन पूर्व भगवान उनका दर्शन बंद हो जाता है और कहते हैं भगवान को बीमारी हुई है और भगवान की शुश्रूषा होती है। तब भगवान की सेवा 15 दिन तक भिल्ल लोग करते हैं। वो भगवान को काढ़ा बनाते हैं, पिलाते हैं और भगवान में रथ यात्रा में जब भगवान बैठते हैं तब वही लोग लेकर आते हैं। तो 15 दिन तक शुश्रूषा का अधिकार भिल्ल लोगों का है, अर्थात शूद्रों के लिए वहां की व्यवस्था है। तो चार धाम है, उसी प्रकार से चार वर्णों के लिए चारों धाम में अलग अलग अधिकार दिए गए हैं। उनका प्रधान अधिकार रहता है, बाकी सबका अधिकार है। जीव मात्र का अधिकार तीर्थ में है। आप किसी से शुश्रूषा से बाकात नहीं कर सकते। हरेक किसी को जाना है, हरेक को वहां रहना है, हरेक को तीर्थ के दर्शन करने हैं, हरेक को तीर्थ का लाभ लेना है। लेकिन प्रायः प्राथमिक अधिकार एक होता है। जैसे यहाँ आप रहते हैं तो आपके कमरे में आपका अधिकार है, लेकिन कमरे का अगर आश्रम का मैनेजर आ जाए तो वो कमरा खाली करवा सकता है। लेकिन मैनेजर वहां रहे और ट्रस्टी आ जाए तो मैनेजर को भी दखल कर सकता है, तो वो बात अलग है। लेकिन अधिकार सबका है, अधिकार किसी का है ऐसा नहीं। लेकिन एक प्राथमिक अधिकार होता है, उनको विशेष वहां पर दर्जा दिया जाता है और वो भिन्न भिन्न वर्णों का भिन्न भिन्न स्थानों पर रहा है। और उसी प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिए कि यहाँ पर ब्राह्मण व्यवस्था संभाली, यहाँ क्षत्रियों का अधिकार प्राधान्य रहेगा, यहाँ वैश्यों का रहेगा, यहाँ शूद्रों का रहेगा। तो सबको समान माना गया है क्योंकि भगवान के जो अंगों से वर्णों की उत्पत्ति हुई तो कहा गया कैसे उत्पत्ति हुई, तो ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यकृतः। भगवान के मुख से ब्राह्मण हुए, बाहु से क्षत्रिय हुए, उरु से वैश्य हुए और पैरों से शूद्र हुए, तो सभी पूज्य हैं। भगवान के कौन सा अंग आप पूज्य नहीं मानते। मंदिर में जाते हैं तो चरणों में भगवान को प्रणाम करते, मस्तक पर जाकर तो प्रणाम नहीं करते। और भगवान के चरणों में से शूद्रों की उत्पत्ति है तो वहां भी वो पूज्य है। इसलिए किसी का तिरस्कार सनातन धर्म में नहीं है, सभी का समान अधिकार यहाँ पर रहा है। लेकिन कहीं कहीं विशेष जो प्रयोजन होते हैं उसमें विशेष अधिकार होता है। बैंक का मैनेजर जहाँ बैठता है वहां जो चपरासी होता है वो वहां नहीं बैठता, उसका बैठने का अधिकार अलग है, मैनेजर का अलग है। जहां व्यासपीठ पर कोई वक्ता बैठता है तो आप सामने बैठते हैं, फिर आप सब कहेंगे हमारा अधिकार समान है, सभी के लिए व्यासपीठ लगाओ तो सुनेगा कौन। तो सबके अधिकार की एक चिंता सनातन धर्म में की गई है और उसी प्रकार से व्यवस्था है। और कोई आगे प्रश्न होगा।